दिल्ली की, तो यहां पर एक गैंग वॉर जो है कैमरा में कैद हुई है। राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर का एक और मामला सामने आया है। एक आदमी को तेज रफ्तार वाली कार पहले टक्कर मारती है और बाद में उस पर दो बार गोली चलाई जाती है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और इस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड का भी इतिहास रहा है। दीज आर शॉकिंग विजुअल्स जो टाइम्स नाउ ने एक्सेस किए हैं। प्रियांक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रियांक, क्या जानकारी मिली है इस हादसे के बारे में? जी देखिए ना, ये कल की वारदात है। तकरीबन एक बजे के करीब एक सोनू भागलपुरिया करके एक शख्स था जो अभी कुछ दिनों से बेल पे था, उसके खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे हैं। वो जब अपने घर की ओर जा रहा था अपनी स्कूटी पे, तो एक सेडान कार ने उसे पहले हिट किया और बाद में कार से बैठे हुए जो आरोपी थे उन्होंने सोनू पे दो गोलियां दागी। इसके आगे भी सीसीटीवी हमारे पास है जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक कपल जो है एल्डरली कपल वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सोनू को बचा के अस्पताल भेजा जाए। फिलहाल उसकी हालत नाजुक है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर से दिखा रही है कि दिल्ली में गैंगवॉर जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से बेखौफ अपराधी जो है वो इस तरीके की अंजाम को घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ ये जो शख्स हैं जो इस गाड़ी में मौजूद है जिन्होंने फायरिंग की है उनके खिलाफ कुछ तो सबूत है, लेकिन अभी फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ये जो तस्वीरें हमें मिली हैं इसको देखने से ऐसा भी लग रहा है प्रियांक कि शायद जो बाइक पर सवार था शख्स वो इन लोगों से भाग रहा है, तो शायद इसका पहले से ही कहीं से पीछा किया जा रहा था। कुछ जानकारी मिली है कि कौन है ये, क्या आपसी कोई दुश्मनी थी? अब हिना, ये साफ तौर से गैंगवॉर का मामला है जो दबिश बनाते हैं गैंग इस इलाके में दिल्ली के, जो वेस्ट दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली का नॉर्थ दिल्ली का जो इलाका है उनमें आरोपियों के बीच में जो अपराधी उनके बीच में कई बार इस तरीके की झड़प होती है। लेकिन चूंकि आजकल लोग सचेत हो गए हैं, चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, तो सीसीटीवी कैमरा कई घरों के बाहर इंस्टॉल है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि बवाना में हो चाहे नवेला की तरफ का इलाका हो, जो अपराधियों की जो गतिविधि है वो सीसीटीवी कैमरे में है और तस्वीरें साफ तौर से दिखा रही हैं ना कि किस तरीके से बेखौफ होकर के ये इन्होंने स्कूटी पे पहले टक्कर मारी है, उसके बाद से निकल करके फायरिंग की है और वहां से वारदात से भागने में फरार हो गए हैं। तो साफ तौर से दिल्ली पुलिस की जो निष्क्रियता है, जो पुलिस नाकामयाब साबित हो रही है ना अपराधियों पे नकेल कसने में, वो भी साफ तौर से तस्वीरें बयां कर दी।